असलकम स्टूडेंट आज हम अल्केन की सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे और अल्केन की सिंथेसिस जिसको अल्केन की प्रिपरेशन भी कहा जाता है इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम देखें किस तरीके से हम इसको अल्केन को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं जो मेथड हम आज डिस्कस करेंगे वो हैं कि एल्केन्स को हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइन के जरिए से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं एक रिएक्शन होता है वर्ड्स रिएक्शन उससे तो भी अल्केन को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं और को कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से भी सिंथेसाइज़ किया जा सकता है अच्छा अब कार्बोनिल कंपाउंड को तीन तरीकों से या तीन मेथड के थ्रू रिड्यूस किया जाता है एक कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन दूसरा वुल्फ किशनर रिडक्शन और तीसरा कहलाता है मोजिंगो रिडक्शन इन तीनों मेथड से अल्केन को सिंथेसाइज किया जा सकता है इनमें बुनियादी फर्क क्या है हम जब इसको स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेसिकली ये मेथड इस्तेमाल होते हैं अल्केन्स को सिंथेसाइज करने के लिए चौथा मेथड है कि जिससे अल्केन को सिंथेसाइज किया जा सकता है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड द लास्ट मेथड जो कि हमने आज डिस्कस करना है आज के लेक्चर में वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइट आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहला मेथड जिससे हम अल्केन्स को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एक डिग्री ऑफ हाइड्रचुरेशन होती है वन आई एच डी इसका होता है जबकि अलकाइंस में टू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या टू आई एच डी होता है alkenes में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड और वन पाएड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टू बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है अच्छा ये रिएक्शन याद रखिए कि ऑफ हाइड्रोजन तो है ही लेकिन ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में ही होता है विदाउट कैटलिस्ट इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं किया जा सकता जो कैटलिस्ट जनरली इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में इस्तेमाल होते हैं वो प्लाटीनियम है पेलाडियम है या निकल है इस्तेमाल होता है ठीक है अच्छा ये एक चीज़ का और ख्याल कीजिएगा कि अगर आप अल्कीन ले रहे हैं तो अल्कीन में इफ यू हैव जस्ट वन डबल बॉन्ड तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल होगा क्योंकि दोनों तरफ से बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा अगर आपके पास एक कोई मोनो अल्काइन ग्रुप है तो एक अल्काइन ग्रुप में दो मोल ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे एक बॉन्ड टूटा पाए बॉन्ड दो हाइड्रोजन एड हो गए दूसरा पाए बॉन्ड टूटा तो दो और हाइड्रोजन एड हो गए तभी आपको करिस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा जैसे यहाँ अगर फर्श कीजिए ये टू ब्यूटाइन था तो ब्यूटेन मिलेगा ठीक है कुछ एग्जांपल देखते हैं मिसाल के तौर पे आपके पास है ये टू मिथाइल प्रोपीन जब इसमें आप एक डिग्री ऑफ आई एच है इसका और एक पाए बॉन्ड है तो हाइड्रोजन जब तो आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको दो हाइड्रोजन ऐड होंगे और आपको ये टू मिथाइल प्रोपेन मिल जाएगा इसी तरीके से आपके पास ये साइक्लोहेक्सिन है हाइड्रोजन आपने एक मोल इस्तेमाल किया आपको करिस्पॉन्डिंग साइक्लो अल्केन यहाँ जो कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सैन है ये मिलेगा एक एग्जाम्पल और देखिए आपके पास है टू हेपटाइन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अल्काइन के के केस में आपके पास दो बॉन्ड होते हैं इसीलिए आपने दो मोल ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करना है जो तो कि आपको करिस्पॉन्डिंग तो तरीके हैं जिससे हाइड्रोजनेशन के थ्रू आप अल्कीन या अल्काइन से अल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं दूसरा मेथड जिससे आप अल्केन सिंथेसाइज कर सकते हैं वो कहलाता है वर्ड्स रिएक्शन ये बहुत एक ओल्ड मेथड है अच्छा इसमें अगर आपने हम क्या करते हैं कि जनरली वी यूज अल्काइल हेलाइट और अल्काइल हेलाइट को मेटल के साथ जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम है उसे ट्रीट करवाने पे आपको करिस्पॉन्डिंग अल्केन और साथ में सोडियम हेलाइड मिल जाता है जो भी हेलोजन होगा वो हेलाइड बना लेगा अच्छा अगर आपके पास अल्काइल हेलाइट दोनों सिमिलर होंगे तो डायमर मिलेगा मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिथाइल हेलाइट था या मिथाइल क्लोराइड था तो आपको क्या मिल जाएगा इथेन अगर आपके पास इथाइल ब्रोमाइड था तो आपको मिलेगा ब्यूटेन ठीक है अगर आपके पास फर्ज कीजिए कोई साइक्लिक था, प्रोपेन था, जैसे तो, तो आपको दो मालिक्यूल साइक्लो प्रोपेन के मिल जाएंगे दरमियान में होगी, डिफरेंट वे। अच्छा इसी तरीके से अगर आपके पास अल्काइल हेलाइट डिफरेंट होंगे तो हो सकता है आग, example, आप यू मे द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जनरल एग्जाम्पल देखिए आप फर्स्ट कीजिए आपके पास ये है आपने दो सोडियम के साथ ट्रीट किया तो आपको अल्केन मिला और सोडियम मिला। अच्छा, ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल रिएक्शन की जो कि डेफिनेटली थ्रू चेन रिएक्शन ही होता है और आपको ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं गुजशत लेक्चर में कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं वो तीन स्टेप में होते हैं चेन इनिशिएशन चेन प्रोपिगेशन और चेन टर्मिनेशन अच्छा अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे जस्ट जो मेन डिटेल में, डिस्कस नहीं है क्योंकि हम में ये डिस्कस कर चुके हैं अच्छा, सिमिलर लिखे हैं किस तरीके से जब हम अलकाइल को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो थ्रू रेडिकल पहले अल्काइल और हेलोजीन का बॉन्ड टूटता है और ये अल्काइल जनरेट कर देगा और सोडियम और हेलाइड मिलके आपको सोडियम हेलाइड बना लेते हैं दूसरा भी यही है अच्छा अब ये दोनों अल्काइल रेडिकल कंबाइन होके आपको अल्केन दे देंगे फर्ज कीजिए अगर ये दोनों अल्काइल सेम होंगे तो आपको एक डायमर मिलेगा दोनों डिफरेंट होंगे तो यू मे हैव द डिफरेंट वन इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं एक लिमिटेशंस तो ये कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको जो सिंपलेस्ट अल्केन मिलेगा वो इथेन होगा क्योंकि फर्श कीजिए तो आप सिंपलेस्ट अल्काइल हेलाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिथाइल क्लोराइड है तो यहाँ पे दो मिथाइल मिलेंगे दोनों मिथाइल मिलकर आपको इथेन देंगे मीन सिंपलेस्ट अल्केन आपको इथेन मिलेगा मिथेन आप इस रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते एक इसकी लिमिटेशन ये है दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर आपके पास कोई टर्शरी हेल्ड मिसाल के तौर तो पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो इस तरह के रिएक्शंस में भी ये रिएक्शन फेल हो जाता है आप आगे इसको प्रोसीड नहीं कर सकते है। इसका रीजन क्या टर्सरी हेलाइड जब आप सोडियम मेटल के साथ ट्वीट करेंगे तो वो इंस्टीड ऑफ डायमराइजेशन वो एलिमिनेशन को प्रीफर करता है और साथ ही साथ इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का भी एक फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से टर्शरी हेलाइट वर्ड्स रिएक्शन को प्रोसीड करने में स्लाइटली डिले uh, या प्रॉब्लम uh, करते हैं अगला हमारा जो रिएक्शन है जिसकी मदद मतलब से हम को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसे हम तरीकों से लिख भी सकते हैं इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डीऑक्सीजन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन से भी हम अल्केन बना सकते हैं या रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल को कन्वर्ट कर सकते हैं सी एच में तो ये भी बेसिकली सेम वे है लिखने का तरीकेकार है थ्री मेथड है जिनकी मदद से हम अल्केन्स को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं अभी तीनों डिफरेंट क्यों हैं? आइए देखते हैं पहला रिएक्शन अच्छा इस ये याद रखिए कि डेफिनेटली हम जनरली बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की तो यहाँ पे फोकस कीजिए कि अल्डिहाइड या कीटोन हम बात कर रहे हैं अल्डीहाइट और कीटोन को जब एसिडिक कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन मरकरी जिसे हम अमल कमेटेड जिंक भी कहते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली अल्केन में अच्छा इस कंडीशन में जो सबस्ट्रेट है यानी स्टार्टिंग कंपाउंड है या कार्बोनिल कंपाउंड है वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो एसिड के साथ इजीली रिएक्ट करके आपको अल्केन दे दे दूसरा ये कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो जनरली बेस के साथ सेंसिटिव होते हैं या बेस लेबाइल होते हैं अगर ये बेस लेबाइल होगा तो आपने ये अलकेन जो है ना हम दूसरा बार इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ऐसे कंपाउंड ऐसे काबिल कंपाउंड जो कि एसिडिक कंडीशन में अल्केन को दे सकते हैं वो रिडक्शन का मेथड कहलाता है इसका मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे अच्छा कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो एसिड सेंसिटिव होते हैं जिन्हें हम क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर फर्श कीजिए अगर यहाँ स्टार्टिंग कंपाउंड आपका एस्टर होता तो एस्टर को अगर आप एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा वो और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा या अगर आपके पास फर्ज कीजिए कि स्टार्टिंग कंपाउंड के साथ में कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ तो इट इज पॉसिबल कि वो एसिड के साथ डी प्रोटेक्ट हो जाए और रिएक्शन प्रो, प्रोसीड ना हो तो

जनरली हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं रिडक्शन इसके दो स्टेप जबकि हाइड्रोजोन जो था ये रिएक्ट करता है बेस के साथ और अल्टीमेटली ऑन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन इट विल गिव यू दस्पॉन्डिंग अल्किन ये आपको मिलता है अच्छा आप देखिए मैं इसके डिटेल में जाऊंगा पहला स्टेप जस्ट वर्बली बताऊंगा दूसरा किया है पहले स्टेप में क्या होता है कि जब आप कंपाउंड को या कीटोन हो सकता है उसे जब आप हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजीन से दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बनल कंपाउंड ये होकर वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट करते हैं तो वाटर मालिक्यूल वाटर मालिक्यूल अभी मौजूद है और आपको ये जो प्रोडक्ट मिलती है इसे कहते हैं हाइड्रोजोन और ये इम्यून फंक्शनैलिटी है अगले स्टेप में वो वाटर मालिक्यूल भी मौजूद है आपने ऐड करना है बेस अब बेस क्या करेगी बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगी देर इज कंटिन्यूस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और कार्बन नाइट्रोजन में से एक पाई बॉन्ड टूट वाटर मालिक्यूल जो कि पहले स्टेप में सिंथेसाइज हुआ था वहां से प्रोटॉन एक्ट कर लेगा जो कि बेस को रीजनरेट कर देगा और आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा अच्छा अब ये इंटरमीडिएट क्या करता है दोबारा बेस यहाँ से प्रोटॉन एक्सेट करती है अल्टीमेटली इस नाइट्रोजन को रिमूव कर देती है और ये पाए बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर रेजोनेट करते हैं जो कि आपको ये कार्बेनाइन दे देते हैं अब ये कार्बेनाइन इसी स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल बना था वहां से प्रोटॉन एक्सेट करेंगे एंड फाइनली आपको अल्किन दे देंगे ठीक है इस तरीके से आप अल्केन हासिल कर सकते हैं अल्डिहाइड या कीटोन से बाय मींस ऑफ हाइड्राजीन एंड बेस एक एग्जांपल है जैसे बेंथोफीनोन को जब आप ट्रीट किया हाइड्राजीन और बेस के साथ तो अल्टीमेटली आपको डाई फिनाइल मीथेन मिला अच्छा अगर आपका कंपाउंड एसिड और बेस सेंसिटिव है तो इस कंडीशन में कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आपको न्यूट्रल कंडीशन दरकार होती है example, अगर आपने इस कार्बोनिल कंपाउंड को इस थायोल के साथ ट्रीट किया पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया तो आपको करिस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा अच्छा ये जो रिएक्शन है जिसे हम मोजिंग को रिडक्शन भी कहते हैं ये दो स्टेप में होता है पहला स्टेप कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट होता है थायोकीटल या थायोएसीटल में यहाँ दो टर्म इस्तेमाल हुई हैं थायोकीटल और थायोएसीटल इससे क्या मुराद है कि अगर आपका कंपाउंड स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन था तो आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो मिलेगा थायोकीटल अपॉन ट्रीटमेंट विद दिस थायोल ग्रुप इसी तरह अगर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड कोई एल्डिहाइड था और आपने इस थायोल के साथ ट्वीट किया तो आपको मिलेगा थायो एसिटल ये थायो और थायो को जब रिड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन के साथ तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन मिल जाता है चौथा रिएक्शन हमारा क्या रहता है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू सम सॉल्यूशन तो उससे भी आपको अल्केन मिलता है अच्छा इस मेथड में आप सोडियम या पोटाशियम का कार्बोऑक् एसिड का साल्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व करने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको करिस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है ठीक है किस तरीके से फर्श कीजिए आपके पास था सोडियम एसिडेट वाटर में डिजॉल्व किया इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपको ये एक डायमंड मिल गया इथेन का और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रक्साइड मिला अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इट मीन यू आर डिपिंग टू अलेक्ट्रोज इलेक्ट्रोड एज वेल आपने इलेक्ट्रोड भी डिप किए हैं इलेक्ट्रोड की दो टर्मिनल होते हैं एक एनोड कहलाता है दूसरा कैथोड कहलाता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है जनरली और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है क्या होता है इस रिएक्शन में जैसे ही आपने इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिजोल्व किया एनोड पे ये कार्बो ऑक्सिल एसिड या कार्बोक्ट आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल चार्ज जनरेट हो जाएगा अच्छा अगले स्टेप में देखें, मैंने यहाँ पर इस कार्बन और मिथाइल के दरमियान में दो डॉट बनाए हैं या आप इसको सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं हम गुजश्ता लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप डॉट डॉट के फॉर्म में लिख दीजिए या सिंगल बॉन्ड की सूरत में अब अगले स्टेप में क्या होगा ये जो ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल जनरेट हुआ था बाय ऑफ लॉस और इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस मिथाइल और कार्बन ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल पे आ जाएगा जो कि यहाँ लिखा गया और अल्टीमेटली मिथाइल का रेडिकल आपस में कंबाइन होकर आपको इथेन गैस दे देंगे कैथोड पे क्या होगा कैथोड प्रोडक्शन होती है आपने इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बो एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया था ये वहां से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा जो के एनोड से निकले थे जब इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करेगा तो ये टूट जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में और टू हाइड्रोजन रेडिकल में अब ये तो हाइड्रोजन रेडिकल कंबाइन होकर आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे अच्छा इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन ये कि आपको जनरली एक सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है लाइक इथेन ब्यूटेन वर्सा अनसिमेट्रिकल एल्केन तभी मिलेगा जब आप मिक्सचर ऑफ कार्बनिक एसिड साल्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है लास्ट हमारा जो मेथड है को सिंथेसाइज़ करने का वो है अल्काइल का रिएक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन अच्छा यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन से मुराद होती है एटॉमिक हाइड्रोजन वो किस तरह से हासिल की जा सकती है कि अगर आप जिंक और एच को ट्रीट करें तो जिंक और एसियल के रिएक्शन से भी नेशनल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है या जिंक और एसिटिक एसिड को आप ट्रीट करें तो जिंक और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से भी आपको नेशनल हाइड्रोजन मिल जाती है और भी मुख्तलि तरीके हैं जिससे नेशनल हाइड्रोजन आपको मिल सकती है ये नेसेंड हाइड्रोजन अल्काइल हेलाइट के साथ रिएक्ट करने पर अल्केन और साथ में हाइड्रोजन हेलाइट बनाती है कुछ अल्टरनेटिव मेथड भी हैं जिससे अल्काइल हेलाइट से

Uh, मिलेंगे तब तक के लिए सी यू